हिमाचल में एक बार फिर से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर नशे को रोकने में विफल करार दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके वार पर तीखा पलटवार किया है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल फिर से प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश में हैं। उनका दावा है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने को लेकर गंभीर नहीं है। धूमल ने नशे के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। पूर्व सीएम के माने तो कांग्रेस सरकार इस मसले पर देर से जागी है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर सरकार गंभीरता से आगे बढ़ती है तो इस बुराई से निजात मिल सकती है। वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है वो खेल की विरोधी साबित हो रही है, वो सुविधा उपलब्ध कराने की अपेक्षा अड़चने डाल रही है और परिणाम स्वरूप खेलों में जो हम उपलब्धि कर सकते हैं वो कभी कर नहीं पाए। बहुत पहले करना चाहिए था। प्रदेश सरकार अगर सजग और सचेत होती तो नशे की चोट में आकर जो हमारे कई नौजवान मर चुके हैं उनकी जान बचाई जा सकती थी। उधर हिमाचल बीजेपी के आरोपों पर सूबे के कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पलटवार किया और इसे राजनीति से प्रेरित करार दिया। हाँ, ये आरोप जो है सिर्फ राजनीति के कारण से किए जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं कभी चार्जशीट की बात करते हैं, कभी इस तरह दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध है और उस दिशा में हमारी सरकार कदम उठा रही है। जाहिर तौर पर अगले साल सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर लंबा चलेगा। बिलासपुर से विजय भारद्वाज, शिमला से मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया।